वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ क्विज के अपडेट लेके आता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मुझसे बहुत बच्चे ऐसा पूछते हैं, या फिर पर्सनल लाइफ में भी आपने बहुतों को देखा होगा, हो सकता है आप भी ऐसे हो, कि बहुतों ने बहुत बेस्ट टीचर से कोचिंग लगा रखी होती है। जैसे आपको पता, मार्केट में इतने सारे टीचर अवेलेबिलिटी में, कुछ तो बहुत महान है, कुछ थोड़े कम महान है, और कुछ हम जैसे इंसान है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, आप चाहे कितने भी बेस्ट टीचर से लो कोचिंग, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सिलेक्शन आखिर उन्हीं का होता है जो ये गलती रिवाइज नहीं करते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में, अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में क्या गलती हो रही है जिससे सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता। सभी का मतलब जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सबका नहीं हो पाता। कईयों का दो तीन बार, एक दो बार फेलियर के बाद होता है, और वो फेलियर के बाद ही क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 59 देखो, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन नंबर 59। अब इसे समझने की कोशिश करना। मार्केट में कैसे कराया जाएगा कि 1/8 का क्यूब रूट कर दो 1/2, और एरिया पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो 1/4 आंसर। समझे? मार्केट में ये सिखाया जाएगा। एसएससी जैसी मार्केट में, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में की मार्केट में यह सिखाया जाएगा, और आप लोग उस इंसान को सुपर ह्यूमन बना दोगे। क्या बना दोगे? सुपर ह्यूमन, कि भाई इसके अंदर जो ज्ञान है वो हमने दुनिया में किसी के अंदर नहीं देखा। समझ आ रहा है? आप लोगों ने भी ये कॉपी कर लिया। अब यहां गलती होती क्या है, सुनने की कोशिश करना। अब गलती होती यह है कि आप लोग ना इसके पीछे का कंसेप्ट नहीं जान रहे हो। अब आप कहोगे, सर हमें कंसेप्ट से लेना देना नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा, हमें काम चल गया। बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए कि यहां पे क्यूब रूट क्यों करा और यहां पे स्क्वायर क्यों करा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो अब सिखाने वाले भी मैक्सिमम तो यही शॉर्ट ट्रिक से सिखा रहे हैं, क्योंकि उनमें से भी कईयों ने रटा हुआ है। और कई लोग इसलिए पूरा नहीं समझा रहे, क्योंकि अगर सबको सब कुछ सिखा दिया जाएगा तो ये मार्केट का बेस खत्म हो जाएगा। कड़वा सच यही है, ठीक है ना। अब होता क्या है, आपने इस तरीके से सीख लिया, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म में आया ही नहीं, डायरेक्टली इस फॉर्म में आया ही नहीं, वो थोड़ा सा घुमा के आ गया। और आप तो इसी चाल से चलोगे, आप तो इसी चाल से चलोगे, तो होगा क्या, आपका आंसर गलत आएगा, और वो गलत आंसर ऑप्शन में दिया होगा। तो आपको करना क्या चाहिए था मेरे हिसाब से, हाँ, पहले सीखना चाहिए कंसेप्ट। कंसेप्ट सीख लोगे ना, तो फिर आप इस फास्ट तरीके से कर लोगे। हो सकता है जो टीचर आपको इस तरीके से डायरेक्टली करा रहा है, उसने तो कंसेप्ट बहुत अच्छी से कर रखा है, तो उसे तो पता है कि पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है। लेकिन ये पर्दे के पीछे की कहानी आप ना जानना भी तो जरूरी है, क्योंकि स्टेज में तो आप खड़े होंगे, एग्जाम में तो आप बैठेंगे। आप सुनना, तो 4/3 पाई आर वन की क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पाई आर टू की क्यूब, दो का वॉल्यूम ये रहा, इसका रेशियो 1/8, इससे गया। अब यहां से क्या आ जाएगा, आर वन बाय आर टू की क्यूब बराबर 1/8, तो आर वन बाय आर टू इक्वल टू 1/2। इसलिए हमने क्यूब रूट करा ये पता होना चाहिए, इसलिए हमने क्यूब रूट करा ये पता होना चाहिए। इसके बाद एरिया का रेशियो क्या होता है, 4π r1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4π r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर वन बाय आर टू का होल स्क्वायर, और आर वन बाय आर टू क्या, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा बच्चों कि आपको इसी तरीके से करना है, करना नो डाउट इसी तरीके से है, लेकिन इस तरीके से समझने के बाद, बस आप जिस दिन ये गलती करना, मतलब मैथ की बात नहीं कर रहा मैं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, कि हर सब्जेक्ट में आपको समझना जरूर है, चाहे पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो, अगर आप समझोगे ना तो आपको याद करने की नौबत ही नहीं आएगी। और याद करा हुआ फेल जरूर होगा, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे टफ हो रहा है, और वो टफ इन द सेंस ये हो रहा है कि क्वेश्चन को इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ले जाया जा रहा है। और दूसरी बात, बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे बहुत बेस्ट टीचर से, सुपर ह्यूमन कैटेगरी टीचर से पढ़ रहे हैं, और उनका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन फिर वो एक दो साल जब ट्राई करते रहते, तब उनका सिलेक्शन होता, और एक ही बारी में सारे एग्जाम में हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब सुपर ह्यूमन से उन्होंने ये डायरेक्टली सीखा, तो हो सकता है उन्होंने रटा, और हो सकता है वो फेलियर हुए। लेकिन जब वो इस चीज को बार बार रिवाइज करेंगे, तो फिर वो कंसेप्ट में जरूर आएंगे कि यार इसके पीछे की कहानी क्या है।
और जिस दिन आप ऐसे ही सारी चीजों को जानने लगोगे, आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट में तो याद करना ही पड़ता है, नो डाउट, लेकिन जो समझने वाले सब्जेक्ट है उनमें आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं इस क्वेश्चन का, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। और ऐसे अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं 1 लाख क्वेश्चन के एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जिसकी मार्केट में ट्रिक पेली जा रही है, और ट्रिक गलत चीज नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के बाद कराई जाए तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी आपकी इच्छा, जैसा पसंद आए।